बीजेपी वाले झूठे ही तो बोलते हैं। पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है, किसी को कोई आरक्षण की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहा है। केवल भाजपा ने किया है, केवल 10 साल में, 10 साल में देश इतना तरक्की कर गया जितना 70 साल में नहीं कर पाया। भगवान नरसिंह और वामन अवतार वाली हरदोई की धरोहर अपने आप में ऐतिहासिक और साथ ही साथ बताते चले सांस्कृतिक धरोहर की धरोहर से जो है पूरी तरह से भरी हुई है। ऐसे में आज हम हरदोई पहुंचे हैं जहां पौराणिक तीर्थ स्थल मंदिर और साथ ही साथ दरगाह और मस्जिद अपना इतिहास छिपाए हुए हैं। आज न्यूज़ वन इंडिया की चुनावी यात्रा जो है वो हरदोई पहुंच चुकी है। बता दें कि हरदोई एक ऐसी सीट है जहाँ से 19 लाख वोटर्स जो हैं सामने आते हैं। अब ऐसे में आज हम जनता के बीच में जाएंगे, हर गली हर नुक्कड़ के पास जाएंगे जहां पर पूछेंगे कि आखिरकार जनता किसका साथ निभाने वाली और किसको दरकिनार करके फेंकेगी। भैया क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? मुस्कुरा क्यों रहे हो, बताओ ना किसकी सरकार बनेगी? मैं नहीं पता। बीजेपी का है, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी क्या काम कर रही है बढ़िया? बताओ तो, तुम हंस रहे हो, इसका मतलब बीजेपी कुछ तो काम कर रही है। गुंडागर्दी खत्म कर रही है और क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। वहाँ एक भैया थे, उन्होंने कहा रोजगार तक नहीं दे रहे। बीजेपी क्या और सरकारों से अच्छा कर रही है जो भी कर रही है? अच्छा कर रही है हाँ, और जो और सरकारों से अच्छा कर रही है जो भी कर रही है सरकार, ये और सरकारों से अच्छा कर रही है। और सरकारों से अच्छा कर रही है। अच्छा, अखिलेश भैया कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार। इतना कोई खराब काम नहीं कर रही, लेकिन और सरकारों से अच्छा काम कर रही और कुछ ज्यादा खास अच्छा भी नहीं, अच्छा है, सबसे अच्छा है। अखिलेश भैया नहीं आएंगे? अखिलेश भैया तो बहुत मुश्किल है आना भाई। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी काहे काहे इतना बढ़िया काम ही कर रहा है। क्या काम किया है बीजेपी? बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। अच्छा, और क्या? और तो बताओ, और क्या? बहुत कुछ किया है, क्या बताएं, किसे पूछ लीजिए। अच्छा, अखिलेश भैया ने कुछ नहीं किया? किया है, उन्होंने भी किया है। किसकी सरकार आएगी? सरकार बीजेपी की बनेगी। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सब कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनी है, तो बताइए तो भैया बनेगी बीजेपी की सरकार? वो तो बनेगी ना। क्या लगता है भैया किसकी सरकार बनेगी? क्या बताएं मैडम, सरकार किसकी बनेगी? क्यों, मतदान तो दे रहे हैं। अब इतनी जुमलेबाजी, इतनी झूठ बोलता है आदमी, तो उसके लिए क्या हम करें? कौन झूठ बोल रहा है? अरे सब बीजेपी वाले झूठे तो बोलते हैं। तो फिर किसका साथ? रोड मैप कोई है नहीं। हाँ, केवल बातों बातों में केवल चुनाव जीतते हैं। अच्छा, तो जीता जा रहा है, मतलब कागजती वाले रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा ना। अभी हम कैसे बता दें? अभी क्या बता दें, कैसे बताएं अभी तो कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अच्छा, अगर ये बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी कर रही है तो कौन सी सरकार जो है जिसको लगता है कि इसको आना चाहिए, ये जुमलेबाजी के लायक नहीं है? लेकिन भाजपा कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। हाँ, तो किया क्या भाजपा वाले करके गए 70 साल में? अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस ने IIT एम्स कुछ बनवाया नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, केवल भाजपा ने किया है केवल 10 साल में। 10 साल में देश इतना तरक्की कर गया जितना 70 साल में नहीं कर पाया। आप बताइए जी, तो क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं आज कहाँ है? आप बताइए कहाँ चली गई है? कह रहे हैं कि अस्पताल, कोरोना के टाइम में बीजेपी की सरकार जो थी वो जनता के साथ खड़ी थी। अब खड़ी थी तो वो तो अभी इलेक्शन बताएगा ना कौन किसके साथ खड़ा है। मतलब इलेक्शन में घपला होने वाला है, बदलने वाला है, लोग तो कह रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, बीजेपी तो दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार हो कर रही है। दावा तो सब कर रहे हैं, दावा सब कर रहे हैं। क्या लगता है भैया कौन जीतेगा, बताइए? बीजेपी जीत रही है। ऐसी कौन सी योजना जिसकी गलत है? आवास योजना, राशन योजना, आयुष्मान योजना, एक योजना बहुत सी ऐसी योजना जो पब्लिक से सीधे सीधे अटैच है। देखिए ना, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। वो अच्छी बात है, आएगी। ये तो कह रहे हैं इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब मिल तो रहा है, हमारे नगर कस्बे बिलग्राम में कम से कम 1500 कॉलोनी बनी है केवल। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है ना वो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा है। इनकी सोच है। हाँ, इनकी सोच है, किसी की सोच थोड़ी बदली जा सकती है। अब देखिए, अब देखिए, यहाँ जमीन में लड़ाई है मत किसी को, मत अपना है, मत अधिकार अपना है, ये किसको देंगे हम किसको देंगे वो अलग बात है। अच्छा, तो और भी लोगों से पूछ लेते, क्या लगता है भैया कौन जीतेगा?
किसकी सरकार बनेगी कक्का? तुमने तो पूरा देखा है कार्यकाल। हमने देखा है। क्यों नहीं देखा है बताओ ना, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी क्यों? बीजेपी ने क्या क्या काम किए? क्या काम? सब काम किए बीजेपी ने। बीजेपी बनेगी? हाँ। अच्छा क्यों अखिलेश भैया हमारे धीमे पड़ गए हैं क्या? धीमे पड़ जाए। क्यों धीमे पड़ गए? अब इसको नहीं मालूम को सरकार बीजेपी बनेगी, उसको कुछ नहीं पता। देखिए जैसा कि हम कह चुके हैं कि इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम जो है वो लोकसभा चुनाव यात्रा में निकली हुई है और हर नुक्कड़ हर गली हर रास्ते में जा जाके लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या कुछ राय है उनसे पूछ रही है। और अभी हम हरदोई के बता दें कि लखन मार्केट जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है और यहाँ मिर्चा राम रसोई है जहाँ पर लोग भी हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट मिलने वाला है और किसकी सरकार आएगी और क्या कुछ मुद्दे के साथ ये लोग जो है वोट दे रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी। देखिए लोकसभा और विधानसभा के अब तक मैंने 7 चुनाव बड़े करीब से देखे हैं जर्नलिज्म के दौरान। जितना खामोश चुनाव इस वक्त है इतना खामोश चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। वाकई जो एक शब्द राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है अंडरकरंट, वो अंडरकरंट शायद देखने को मिल रहा है। और प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी एकदम खामोश है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11:30 बजे प्रत्याशी जिसका चुनाव है 8 दिन रह गए चुनाव के, वो 11:30 बीच जो है वो पब्लिक के बीच निकल रहा है। तो ये बड़ा सवाल ज़रूर है। और साथ ही एक चीज़ और देखने को मिली कि पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है, किसी को कोई आरक्षण की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कर रहा है, लेकिन जो लोकल के मुद्दे हैं वो गायब है पूरी तरह। और जो प्रत्याशी भी आ रहे हैं वो भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है, लोकल मुद्दे कहीं कोई जिक्र नहीं है, सारी राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनका जिक्र किया। अब की बार देखा जाए तो इस बार मतदान को लेकर जनता भी उतनी उत्साहित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक वक्त था कि उत्साह लोगों में नजर आता था, लोग सुबह 6 बजे से लेकर खड़े हो जाते थे कि हमें वोट देना है मतदान करना है। लेकिन आज इस 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो वो उत्साह कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। क्या लगता है कि आखिरकार ये बीजेपी से कोई नाराजगी है या कि सरकार से उम्मीदें छूट गई हैं लोगों? देखिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दो लोगों का बड़ा अहम रोल होता है। एक तो प्रशासन की भूमिका बड़ी अहम होती है और राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी भूमिका बड़ी अहम होती है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कोशिश नहीं करी, स्वीप योजना के अंतर्गत तमाम प्रोग्राम प्रशासनिक अफसर जो हैं वो चला रहे हैं। हरदोई में भी इस तरह के तमाम कार्यक्रम हुए, ज़रूरत से ज़्यादा हुए। और जो नेता हैं वो भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वोटर मतदान स्थल तक पहुंचे और अपना वोट कास्ट करे। लेकिन बावजूद इसके अगर जनता वोट नहीं कर रही है, इसके कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मतगणना होगी 4 जून को तभी ये क्लियर होगा कि जनता के मूड में आखिर था क्या, क्योंकि ये सब उसी अंडरकरंट में आ रहा है, क्या वजह है क्या नहीं है। लेकिन परिणाम जो है वो अविश्वसनीय जरूर हो सकते हैं जिस हिसाब से वोट कास्ट हो रहा है। देखिए जब हरदोई की राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं कि हरदोई की राजनीति जो है वो भी अपने आप में खास है, क्योंकि जनता यहाँ पर जब वोट करती है तो फिर राजनीति को भी बदल कर रख देती है। क्या लगता है इस बार जनता किसके साथ नजर आ सकती है? अब देखिए ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि तमाम जगहों पर देखा गया, कई बार मतलब देखा गया कि जो मौजूदा प्रत्याशी हैं जो सांसद हैं उनसे लोगों की नाराज़गी दिखी, जनता की नाराज़गी दिखी, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और अभी भी तमाम तरह की ऐसे विरोध की खबरें आई हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो जनता के मूड में क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो भी पार्टियां हैं उन्होंने जो अपने प्रत्याशियों का चयन किया उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की, ये हरदोई के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं, हरदोई और मिश्री के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी के चयन में जो लापरवाहियां राजनीतिक पार्टियों ने की है उसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा इन राजनीतिक पार्टियों को भुगतना जरूर पड़ेगा। अच्छा, जब हम राजनीति की बात कर रहे थे तो एक नाम उभर कर सामने आ रहा था कि बहुत दबदबा रहा है हरदोई में, खासकर नरेश अग्रवाल का। क्या लगता है नरेश अग्रवाल का इतना दबदबा, मतलब लोगों में क्या आज भी है वो दबदबा? देखिए नरेश अग्रवाल की एक लंबी पारी हरदोई में उन्होंने खेली, यहाँ लोग विकास पुरुष के नाम से भी उन्हें जानते हैं और लंबा उनका कार्यकाल रहा, कई टर्म मंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, तो बड़ा राजनीतिक उनका दखल था। लेकिन इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में या राज्य में, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कद था उसमें हम कह सकते हैं, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि उनके कद में घटोत्तरी ज़रूर हुई है। 2014 के चुनाव में, मैं आपको बता दूं, 2014 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में थे और यहाँ से उषा वर्मा और उनके सामने अंशुल वर्मा प्रत्याशी थे, लेकिन नरेश जी के तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अंशुल वर्मा थे उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे,
और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। लेकिन अब ये कहना कि किसी एक नाम से पूरी लहर चलती है, ये कहना गलत होगा। किसी एक नाम से किसी एक उससे एक राष्ट्रीय मुद्दों या राष्ट्रीय जो फेस हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों, उनके फेस पर चुनाव ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी लोकल नेता के आधार पर चुनाव हरदोई में तो नहीं। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी लहर देखने को मिल सकती है, किन किन मुद्दे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग बातचीत करना चाहते हैं। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी भैया? मैम ऐसे कैसे बता दें आपको किसकी सरकार? अरे वोट तो आप ही के हाथ में है ना? वोट तो हमारे हाथ में। हाँ तो लगता क्या है आखिरकार, हवा किसकी चल रही है? हवा किसकी चलेगी, मोदी जी की ही चल रही है, और किसकी चलेगी? क्यों भाई मोदी जी ने क्या किया, ये तो पीछे तो पलटो तो थोड़ा। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हर बार उन्हीं की ही सरकार बनती है मैम। मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया तो फिर क्या लगता है किसी और को भी आना चाहिए मैदान में? आना तो चाहिए, मौका तो सबको मिलना चाहिए। एक अगर आपको मौका मिलता है मतदान करने के लिए, ठीक है, तो किसको देंगे, किसके लिए आप वो करेंगे कि हाँ भाई ये आ जाए, ये उससे भी उम्मीदें थोड़ी जुड़ सकती है हमारी? उम्मीद तो अखिलेश यादव जी से ज़्यादा है। अखिलेश यादव जी से क्यों भाई? देश में बेरोजगार बहुत है, मोदी जी ने किया वो अभी तक जब से सरकार बनी उन्होंने रोजगार खोले ही नहीं है। अच्छा, अपने भारत में रोजगार की बहुत ही कमी है। मोदी जी कहते हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है, पेपर जो है पेपर लीक में तुरंत ही एक्शन ले लेते हैं हम चुटकी में। कोई एक्शन नहीं लिया मैम, अगर एक्शन लेते तो हम लोग रोजगार बेरोजगार नहीं घूमते। कौन आएगा, मोदी भैया या अखिलेश भैया, राहुल भैया, कौन भैया आएंगे? आपकी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आएंगे काहे? अखिलेश यादव ने क्या किया है, कुछ किया है अखिलेश भैया ने? अरे रोडे वोडे सड़के अड़के बनवाई हैं, पानी है। लेकिन ये तो कहते हैं मोदी और योगी ने बनाई है सड़के। अब देखो किसकी सरकार आती है। तुम तुम्हें क्या लगता है, तुम तो बताओ, काम तो देखा होगा, क्या करते हो? हम साड़ी वाली दुकान पे हैं। साड़ी की दुकान पे हो ना, देखा तो होगा, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? देखो हो सकता है मोदी की सरकार बने। मोदी की सरकार बनी तो ये बताओ मोदी की सरकार से कोई फायदा हो रहा है? जी क्या बहुत फायदे हैं, बदलाव हुआ है? हाँ, जी बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ है? अरे हमें रोजगार वगैरह मिल गया है, और क्या। बल लोगों भैया कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, आप कह रहे हो कि रोजगार मिल रहा है उसकी सरकार, और क्या। अच्छा, नाम किसी अब और का बता पाएंगे? ये बताइए कि आप अगर मतदान देंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर के देंगे मतदान? हाँ मुद्दा तो मुद्दा हमारे जैसे लोगों की नौकरी का है। और क्या नौकरी करते हैं आप? नौकरी करते हैं हम, सब लोग नौकरी करते हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए होती है, एक अच्छे जीवन यापन के लिए उसे नौकरी चाहिए होती है। शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो दर बदर बहुत अच्छी हो रही है कुछ पिछले कुछ समय में, और बदलाव भी हुआ है। आप चाहे स्टेट लेवल पे देखेंगे, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे देंगे, धीरे धीरे बदलाव की स्थिति है और शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तीसरा होता है कि आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार की भी स्थिति ठीक है पहले की अपेक्षा, क्योंकि हम लोगों की नज़र में एक होता है कि सरकारी नौकरी इज एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, नौकरियाँ बहुत सारी हैं, रोजगार किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो रोजगार के लेवल पर भी हम लोग ठीक ठीक कर रहे हैं, और इंफ्रा हमारा मजबूत हुआ है, और इंफ्रा हर समय मजबूत होता आया है। अभी आगे समय में आने वाले समय में जब हम कभी तुलना करते हैं, जब हम विदेशों की फ़ोटो देखते हैं तो हमको लगता है क्यों आखिर ऐसा देश हमारा नहीं है, लेकिन अब हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको आप तुलना अगर करने बैठेंगे तो विदेशों से बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठीक काम हो रहा है और होना भी चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या लगता है हरदोई की तस्वीर अभी कितनी बदलनी बाकी है, क्योंकि हरदोई से आप भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है अभी क्या क्या चीज़ है कि हरदोई में और डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक शहर बड़ा है और राजनीतिक तौर पर भी महत्व रखता है और धर्म के आधार पर भी महत्व रखता है, पुरानी जुड़ी यहाँ की बहुत सारी कथाएं हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट अगर होगा हरदोई का तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर हर कोई जो है बता रहा है, अपने अपने राय रख रहा है कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, और अब देखना होगा कि आखिरकार जो 4 जून को परिणाम सामने आएंगे उसमें किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी, और हरदोई की जनता किसका साथ निभाएगी और किसे दरकिनार कर देगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं जूही तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया।